कैसे श्रीलंका वालों हार गए ना ससुरी वालों, तुमको क्या लगा कि हमने 50 रन बनाए 53, उसके बाद हमारा कोई बल्लेबाज चला नहीं, हम 213 पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद फिर देखा हमारे गेंदबाजों ने सबने किसी ने एक किसी ने दो विकेट ली, तुम्हारी नैया डुबो डाली। बाबर भैया तुम भी खुश हो जाओ, अब श्रीलंका से सेमीफाइनल बना के मैच को खेलो और जीतो, फिर आना हमारे साथ 17 तारीख को। आप फिर आपको फिर बढ़िया करके ठोकेंगे, उस दिन 228 से ठोका था, कल फिर 428 से ठोकेंगे। अबे बस कर रोहित भैया, हार जीत होता रहता, विकेट ऐसा था हमारा कोई बल्लेबाज टिका नहीं, ये वेली लगा टिका, धनजे डिसन में इसका साथ दे रहा था वो आउट हुआ, उसके बाद ये इस अकेले ने ठोक देना था, लेकिन इसका यार किसी ने साथ नहीं दिया। पहले इसने 5 विकेटें भी तुम्हारी उड़ाई और 4 लत श्रीलंका को देखो इसने भी उड़ाई, कुछ शर्म करो भैया, बहुत बड़ी हार होनी थी, बच गए यार, किस्मत अच्छी थी आपकी केवल। अबे भस्कर था श्रीलंका का बच्चा, वो तो पहले मैं 2 विकेट लिया, मैं लेता तो 7-8 ले सकता था, मैंने सोचा भैया ये तो धड़ाधड़ जा रहे, फिर आखिर में कैसे एक ही ओवर में 2 विकेटें चटका के ये वेली लागा, दूसरी साइड पे नॉट आउट खड़ा रहा, मुंह उठा के देखता रहा मैंने, फिर आज भी 4 विकेटें निकाल दी ना कल, बाबर भैया आपके खिलाफ 5 आज 4 जितवा लिया ना अपनी टीम को मैच, अब बोलो फोकर में टेंटे कर रहे थे, पूरे 41 रनों से ठोक डाला। अबे बस करता कुलदीप यादव का बच्चा, तू बच गया, मैं दूसरी साइड पे था, तू मेरे बल्लेबाजों को आउट कर दिया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया ससुर के नाते ने, नहीं तो भैया मैंने ठोक डालना था, बच गए शना का बुरादर, ये क्या करवा दिया यार, 5 विकेट में लेता 42 रन ठोकता, लेकिन तुम लोगों से भैया ये रन नहीं बने, 214 41 रनों से हार गए, और मेरे को भैया आखिर में स्ट्राइक नहीं आई, बच गए इंडिया वालों। वेली लगा कोनो टेंशन नहीं होता, कोई बात नहीं होता, अगला मैच पाकिस्तान से जीतता फाइनल में जाता उधर बदला ले लेता, आज तो इंडिया वालों फिर मैंने भी 4 विकेट ली ना, कभी जिंदगी में मैंने भैया इतनी विकेट 1 विकेट ली थी, आज तुम्हारी 4 विकेट उड़ा डाली भैया एक बल्लेबाज होके, भैया तुम्हारी तो नैया डुबो डाली थी, बस तुम्हारा किस्मत अच्छा था, बस करो भैया 17 तारीख को मिलेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान वालों को जरा धो लें फिर उधर बदला लेंगे। अबे बस कर 4 लत श्रीलंका के बच्चे, इंडिया से जीत नहीं पाए, हमसे क्या जीतोगे भैया, हम इंडिया से हारते हैं कोई हमारा मजबूरी होता है, एक बात है इंडिया ने तुम पर मेहरबानी कर दिया जो ठोक डाला, नहीं तो भैया फिर हमने केवल ठोकना नहीं था, 300-400 रनों से ठोकना था, तुम्हारा रन रेट कम करना था, अब भैया तुम्हारा कोई चांस नहीं, अब तो हम आराम से भी जीत जाएंगे सीधा फाइनल में, अब भैया तुम निकलो पतली गली से, ठीक है। हाँ बाबर बुढ़ादर अब जीत लेना, हर बार हमको बोलते हो कि तुम्हारा टीम फाइनल में नहीं आता, अब हम पहुंच गया फाइनल में, ठीक है, अब तुम श्रीलंका को तेल लगा के आ जाना, हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अगर हम हार जाता ना आज हम तो फिर भी पहुंच जाता बांग्लादेश से जीत के, लेकिन फिर तुम्हारे लिए बहुत कठिन था, 200-300 रनों से पेलना पड़ता, अब हमने तुम्हारा आधा रास्ता बना दिया, आधा खुद बना लेना, ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया भाग जाओ हार के, ठीक है। कोहली भाई कोई टेंशन नहीं है, तुम ना जीतते ना फिर भी हमने 200-300 रनों से पेल देना था भैया, और फाइनल में आएंगे हम, आएंगे टेंशन नहीं लो, पिछला बदला भी लेंगे, इस बार किसी ससुरे की ऊपर वाले की नहीं सुनेंगे भैया, ऊपर वाला मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर वाले ससुरी वाले, उधर भी हरामखोरी इधर हम कभी हरवा देते, फाइनल में तैयार है ना, हम किसी के बाप की भी नहीं सुनने वाले, उधर तो भैया ठोक डालेंगे, ठीक है ना, तेल लगा लेना अब। अबे बस करो बाबर भैया, जीत सकते नहीं, ऊपर वालों का बहाना बना रहे हैं भैया, कौन अपने देश को हरवाता है, तुम लोग तो यार फोकट में बदनाम करते हो अपने ऊपर गवर्नमेंट वालों को, क्योंकि वो थोड़ा धांधली है, क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ससुर के नाते उस दिन बच गए थे, मेरे हाथों से आधा शतक ठोका था, इस बार तो मैं डबल शतक लगाऊंगा, 228 नहीं फिर 626 रन से हराएंगे, ठीक है ना। अबे चुप ससुरी वालों सब चुप करो, बाबर भैया कहाँ जाएगा, बाबर भैया तेरा तो पत्ता काटेंगे हम परसों, तेल बेल लगा के, उसके बाद अगर मैच ड्रॉ भी हो गया फिर भी हम जाएंगे, हमारा रन रेट बढ़िया है, तुम जाओगे तेल लगाने, लेकिन उस दिन बारिश भी है, लेकिन हम दबा करेंगे बारिश ना हो ताकि आपको तेल लगा के जाएं, और इंडिया वालों तुमसे भी बदला लेना है, आज बच गए रोज रोज थोड़ी बच पाओगे। बस कर शनाका भैया तू इधर जीत नहीं सका, हमसे क्या जीतेगा, बस दुआ करना कि
बारिश ना आए, बारिश आ गई, मैच ड्रा हुआ, एक एक पॉइंट मिला, तुम चले जाओगे, तुम्हारा थोड़ा सा रन रेट हमसे ऊपर है। कोहली भैया बारिश आ गई है, फिर तो हम नहीं आएंगे, फिर हमारा दोष नहीं निकालना, तुम केवल बस दुआ करना बारिश ना हो, जीत हम अपने आप लेंगे, हमारी जीत के लिए बेशक दुआएं ना करना, भले के हार के लिए करना, लेकिन हम फिर भी जीत जाएंगे, केवल बारिश ना हो, ये दुआ कर देना आप। बाबर मेरे दोस्त काय को टेंशन लेते हैं, हम दुआ करेंगे ना बारिश होगी, तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे तुम जीतो, ताकि फाइनल में तुम एक बार फिर हमारे आमने सामने आओ, हम फिर आपको ठोके, लेकिन एक मेहरबानी करना, कुछ बढ़िया कर लेना, ठीक है, जबरदस्त मुकाबला करके, हारना तो तुमको वैसे, लेकिन अंतिम तक लेके जाना भैया, बहुत बेइज्जती नहीं करवाना, फिर हमको ही शर्म आती है, ठीक है ना। कोहली ब्रदर जितना मर्जी दुआ करता, ये पाकिस्तान हमसे कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि हम जीत के आएगा और तुमसे बदला भी लेगा, और एशिया कभी ये हमारा होता, ठीक है ना भाइयों। ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेता प्लीज।